सबसे पहले गाइस मैं आपको एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाऊंगा जो कि मेरी मेमोरी कार्ड में सेव है। अब मैं एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाऊंगा आपको मेरे क्लोन व्हाट्सएप में। देखो गाइस, जब भी मैं फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ तो फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। कुड नॉट लोड दिस फोटो प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे बता रहा है। वो इस वजह से बता रहा है, जब भी आप इंटरनल स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड फोल्डर या उसमें डेटा प्लस ओबीवी नाम का एक फोल्डर रहता है वो डिलीट कर देते हो तो आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो। मेरे पास दो व्हाट्सएप, एक क्लोन व्हाट्सएप एक रियल व्हाट्सएप। अब मैं वही फ़ोटो अपने रियल व्हाट्सएप में अपलोड करने जाऊंगा तो फोटो अपलोड हो रही है। देखो गाइस, फोटो अपलोड हो रही है। अगर वही फोटो मैं अपने क्लोन व्हाट्सएप में अपलोड करने जाऊंगा तो फोटो अपलोड नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, कुड नॉट लोड दिस फोटो प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे बता रहा है। अगर वही फोटो जो मेमोरी कार्ड में सेव है मैं यहाँ से कट कर दूंगा, कट करने के बाद इसे इंटरनल स्टोरेज में जाके पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले गाइस आप देख लो, फोटो मेरे इंटरनल स्टोरेज में मेरे मेमोरी कार्ड में नहीं है, ठीक है। अब वही फोटो हम अपने क्लोन व्हाट्सएप पे अपलोड होता है या नहीं डीपी पे देखते हैं। देखो गाइस, फोटो अपलोड हो चुकी है, सो इट मीन्स प्रॉब्लम इज इन योर मेमोरी कार्ड। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बैकअप टाइप कर लेना है सर्च बार में। इसके बाद आपको बैकअप एंड रिसेट में जाना है। इसके बाद ये रिजॉल्व डाटा करना है। इसमें जाने के बाद आपकी जो फ़ोन मेमोरी है और मेमोरी कार्ड है सब इरेज कर देना है। सबसे पहले इरेज करने से पहले बैकअप उसका ले लेना गाइस। इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।